मोबाइल में दोस्त का अश्लील वीडियो देख लेने की कीमत एक किशोर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसके चार दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ अपने दोस्त बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। पुलिस ने 10 साल के बालक के ब्लाइंड मर्डर का केस एक चुनौती की तरह लेते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और महज 48 घंटे में इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। इस खुलासे में अहम भूमिका डॉग स्क्वाड की रही। डॉग स्क्वाड की टीम में शामिल रानी नामक डॉग कातिल की घर पहुंच गया और संदेह गहराया तो आगे की कड़ियां पुलिस ने जोड़ ली। इसके बाद सामने आई कत्ल की चौंकाने वाली सच्चाई। पूरा मामला यूपी के जनपद झांसी अंतर्गत थाना लहचूरा के खंदरका गांव का है। खंदरका गांव निवासी 10 साल के सुमित के माता पिता मनरेगा में मजदूरी करते हैं। सुमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हर रोज की तरह विगत दिवस भी वो मजदूरी करने गए थे। घर में सुमित अकेला था। मजदूरी करने के बाद शाम को माता पिता घर लौटे तो सुमित वहां नजर नहीं आया। काफी देर तक सुमित कहीं दिखाई नहीं दिया तो माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और परिजनों के साथ सुमित की तलाश में जुट गए। इसी दौरान पुलिस को सुमित का शव पड़ोस के कच्चे मकान में पड़ा हुआ मिला। सुमित की मौत की खबर सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। 10 साल के सुमित का कत्ल किसने और क्यों किया, परिजनों के साथ ही सभी की समझ से परे था। एक तरह से ये ब्लाइंड मर्डर का केस बन गया और पुलिस के लिए चुनौती भी। छानबीन में जब डॉग स्क्वाड की रानी नामक डॉग आरोपी के घर पहुंची तो पूछताछ में सच सामने आ गया। झांसी के SSP शिवहरि मीणा ने वारदात का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि थाना लहचूरा के खंदरका गांव में एक 10 वर्षीय बालक का शव उसके पड़ोसी के घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने सारी विधिक प्रक्रिया के तहत इसमें घटना का अनावरण किया है, जिसमें उसके चार दोस्तों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा यह हत्या कारित की गई है। इसमें जो तथ्य निकल के आया है कि गेम खेलने के दौरान एक अश्लील वीडियो मृतक के द्वारा देख लिया गया था, तो उसी वजह से उसकी हत्या करी गई। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारी जो डॉग स्क्वाड की टीम है, हमारी जो रानी नामक जो डॉग है उसके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसने घटनास्थल निरीक्षण के बाद जो आरोपी युवक था उसके पास पहुंची और पूछताछ में तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा घटना कारित की गई है। इसमें 2100 रुपये का नगद इनाम हमारी डॉग स्क्वाड की टीम को दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी टीम है, हमारे ऑफिसर्स की टीम है, थाना प्रभारी के साथ साथ SWAT सर्विलांस की टीम है, उसने मात्र 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का अनावरण किया है, इसलिए 21,000 रुपये का नगद इनाम भी उनको दिया जा रहा है। सर, इसके अंदर एक जगह पर बात समझ आई है कि इसके अंदर 5 साल का था लालच, मामला है। देखिए, इसमें बता दें कि जो आरोपी युवक है जिसका अश्लील वीडियो था, उसने मृतक के साथी को 500 रुपये देने का लालच दिया कि आप बुला के ले आना। फिर दूसरे युवक को जो उधार के पैसे थे उन्हें माफ़ करने का लालच दिया। तीसरे युवक को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर इस घटना में सम्मिलित करवाया और फिर उसके बाद में चारों युवकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।